राम और रावण के बीच हुए अंतिम युद्ध के बाद रावण जब युद्ध भूमि पर मरणशैया पर पड़ा होता है, तब भगवान राम लक्ष्मण को समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। और तब रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं कि अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए और अशुभ कार्य को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करनी चाहिए। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समूल विनाश हुआ। तीसरी और अंतिम बात रावण ने यह कही कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्य स्वजन को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा हितेच्छु था, पर श्री राम की शरण में आने के बाद मेरे विनाश का माध्यम बना। इस कथा का सार है कि अपने गूढ़ रहस्य अपने तक रखना, शुभ कर्म में देरी ना करना, गलत काम से परहेज करना और किसी भी शत्रु को कमजोर ना समझना, यह अमूल्य पाठ हर एक इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसे ही गूढ़ कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।